स्वागत है सर, नमस्कार। पहले तो बताएं सर, अपडेट और साथ ही साथ आउटलुक भी, अच्छी रिकवरी निचले स्तर से आ गई है बाजार में। अनिल जी, तो रिकवरी का मतलब है आपको बने रहना है और डिप्स पे खरीदना है। कोई गांव गांव घर घर तो आएगा नहीं पैसा, घबराहट में नहीं लोगे तो कैसे लोगे। अब आज आपने डाउनग्रेड कर दिया आईटी को, तो जहां जिसके पास जितना माल है वो निकालने की चेष्टा है कि भाई इनका माल बिकवा दो, दलाली बना लेंगे। आपको ये पुराने पैंतरे हैं, दो बैंक बिकवा दिए 31,000 तक निफ्टी के और अब आपने 40,000 कर दिया, तो ऐसे ही उतार चढ़ाव रहेगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दीज आर फाइव हेड। वन हेड इज एन एसेट मैनेजमेंट, वन इज अ ब्रोकरेज, वन इज अ होल्डिंग कंपनी, वन इज द मर्चेंट बैंकिंग। दे विल ऑल हैव डिफरेंट व्यूज, यू हैव टू सी वेयर योर पाउंड ऑफ फ्लैश इज, जहां आप पैसा कमा सकते हो। क्यों अनिल जी, जब घबराए गए तभी भाव का और भाव आएगा या घर का चल के आएगा? एब्सोल्युटली, खराब माहौल में तो खरीदने का मजा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आपने तो प्रॉफिट बुक करने की भी राय इस बार बिल्कुल परफेक्ट दी, और वापस से खरीदारी की भी। बताएं सर, एक बार अपडेट भी दें, सारे स्टॉक्स भी आपके तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी, नए कॉल्स और अपडेट। अनिल जी, सबसे पहले देखिए आज का टॉप पिक था अशोक लीलैंड, कल से बोल रहा हूँ 42-43, आज 48 रुपए हो गया, इसे कहते हैं कॉल। उसके अलावा आपको कई दिन से आरबीएल बैंक, मैंने कहीं कहा था 95, 97, 98, कई दिन से कह रहा हूँ 105 रुपए बिक गया, 110 तो मिनिमम टारगेट है। उसके अलावा यूपीएल और हीरो, मैं दोनों पे बहुत बुलिश हूँ। यूनाइटेड फास्फोरस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी, दे आर गोइंग टू लिस्ट वन ऑफ देयर अनलिस्टेड आर्म्स विच विल सी ऑलमोस्ट $1 बिलियन ऑफ वैल्यूएशन। अब ये समय समय से प्ले करेगा, ये शेयर 1000 की तरफ जाएगा, और हीरो मोटर 3000 से पहले बात ही मत करना। अब आपके लिए तीन पिक्स हैं और एक कैश का काउंटर है, मुझे लगता है यहाँ मौका बहुत अच्छा है। जी सर बताएं प्लीज। तो देखिए अनिल जी, सबसे पहले लीजिए एसबीआई लाइफ, 1278.80 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1250, 1350 का टारगेट। एसबीआई लाइफ इज आर्ग्युबली द बेस्ट परफॉर्मर इन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, एंड आई हैव नो टू एप्रिहेंशन दैट एसबीआई लाइफ इज गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर ऑन द निफ्टी। सेकेंड पिक इज माई फेवरेट सर, बॉश, 17,350 से 400 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 17,000, वापिस 18,200 का टारगेट। चार दिन बैठेंगे तो भाव आ जाएगा। याद है आपको पिछली बारी भी आपको ये मैं 13,000 से पीछे पड़ा हूँ शेयर के, और इसको 22,000 तक नहीं छोड़ूंगा। तीसरा पिक है अनिल जी आपके लिए कैश का काउंटर, आज आपने नितिन गडकरी जी को सुन लिया है, रोड एंड रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन, IRB इंफ्रा, लार्जेस्ट एवर टोल कलेक्टर, और जिसकी फास्टैग होने के वजह से हाईएस्ट एवर कलेक्शन से इस क्वार्टर में। इस शेयर का भाव 300 रुपए जाएगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शेयर मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मर है। तो 240, 42, 44 में लीजिए, इसमें 300 रुपए से कम मत बेचिए, स्टॉप लॉस आपने रखना है तो 225 रुपए। ठीक बात है, तो दो FNO स्टॉक, SBI लाइफ और बॉश, और साथ ही एक कैश का स्टॉक न्यूरोकेयर के बाद आपकी तरफ से RIB इंफ्रा भी आता दिख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लीजिए। ये भी आप पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हैं थोड़े समय के लिए, जहां 50 रुपए की तेजी आराम से आपको बनती दिखेगी। तो शानदार पिक्स बसिन साहब की तरफ से आपके लिए आती है। धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे करेंगे हम फिर मुलाकात 9:45 पर।